तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, और साथ में आपका जो कोर्स है बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन द एक्सेल। जी सर, तो हमारी दूसरी क्लास है, पहली क्लास में हमने आपको यूज ऑफ एक्सेल्स एंड फ्यूचर फ्यूचर इन द एक्सेल बताया, और हम एनालिसिस क्यों करते हैं, इन सबों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले एक्सेल का फैक्टराइजेशन सिस्टम और कैलकुलेशन। देखिए सर, हमने बताया था कि हर एक एक्सेल में एक बुक, एक फाइल होता है, एक आपका सीट होता है, सीट के अंदर कॉलम्स होते हैं एंड रो होते हैं, और रो के अंदर जो है डेटा होता है। जी डेटा आप इसमें दो तरह के, मैंने दो तरह से रखते हैं, नंबर और टेक्स्ट। जी, और अगर आप कोई पिक्चर्स, कोई चार्ट या कुछ ऐसा इंसर्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो किसी सीट का वैल्यू नहीं कहलाता है। ओके ठीक है ना जी सर, इसलिए हम किसी ऑब्जेक्ट को लिंक नहीं कर सकते। अब इसमें इसमें हम समझिए एक चीज और, कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब मुझे इसी में ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस यहाँ पे करेंगे इक्वल A1 + 20, राइट सर? जी A1 क्यों डिफाइन किया गया? A1 इज द सेल वैल्यू, मतलब कि A रो एंड 1 कॉलम। जी, तो इसका इस्तेमाल हुआ क्यों? क्योंकि हम कुछ फंक्शंस या कुछ ऐसा लगाए, इसके लिए इसका डिफाइन किया गया है। इसका बेनिफिट क्या होता है बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि पूरे डेटा में मुझे +20 करना है, तो मैं एक एक करके ऐसा कर सकता हूँ, 85 + 20 कर सकता हूँ, 36 + 20 कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा वर्क हो जाएगा और ये अपडेटेड भी नहीं होगा। जैसे मैं 35 को 90 कर दिया या फिर 85 को 90 कर दिया, तो हमारा रिजल्ट जी नहीं होगा, तो इससे लिंक्ड नहीं। जी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे +20 कर देंगे, A1 + 20। एक फायदा हुआ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा, ये मेरा अपडेट हो जाएगा। जी, जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमारा A1 इंक्रीज होकर A2 हो जाएगा। देखिए जी सर, A3 A4 A5। लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ D पे 20 लिखा हुआ है, तो अगर मैंने इस पे डी पे 20 सेलेक्ट कर दिया और फिर नीचे ड्रैग किया, तो दिक्कत क्या हो गया कि हमारा A2 हुआ तो D2 भी हो गया। अब इसको रोकने के लिए हमने क्या किया कि 1 के आगे डॉलर का साइन दे दिया। अब मुझे इसको नीचे की तरफ करने के लिए आप करेंगे, देख ओके फिक्स हो गया। जी बिल्कुल, तो हमने 1 को फिक्स किया, लेकिन इसी को मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूं तो डी हमारा ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ई के आगे डॉलर नहीं लगाया, तो डॉलर अब्सोल्यूट करता है, इसको अब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं, या फिर हम आम बोलचाल के अनुसार बोलते हैं कि इसको हमने फ्रीज कर दिया। एब्सोल्यूट। तो अगर आपने नंबर, आपका क्या होता है रो होता है, और अल्फाबेटिक क्या होता है आपका कॉलम होता है। अगर आपने नंबर के आगे लगाया तो आपका रो फ्रीज हुआ, अगर आपने अल्फाबेट के आगे लगाया तो आपका कॉलम फ्रीज। ठीक है, अगर आपने दोनों किया तो आपका दोनों फ्रीज हो गया। और इस सर, क्या आप एक बार दोबारा बता सकते हैं, लाइक पहले आपने जो है 1 के आगे लगाया था, सॉरी हमने 1 रखे, अगर आपको वर्टिकली आपको ड्रैग करना है, ठीक है जी, तो आप और आपका नंबर वैल्यू यहाँ पर है, तो आप इसको फ्रीज करेंगे रो को, सिर्फ मैंने 1 को फ्रीज किया, 1 यहाँ पे रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। तो हर हर सेल में आपका 1 ही रहेगा, लेकिन आपको ड्रैग करना है वर्टिकल, तो वर्टिकल ड्रैग करेंगे तो आपका कॉलम चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कॉलम चेंज हो गया, डी अभी ये बन गया,
जी मुझे डी को फिक्स कर दे रहा है, तो फिर मैं कॉलन का आगे मतलब कि करेक्टर, जो करेक्टर एबीसीडी है ये आपका कॉलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके आगे हमने डॉलर लगा दिया। अब इसको आगे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि कॉलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया? जी सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में मेरे पास मान लीजिए 20 है नंबर्स और क्वार्टर टू में 30 है एंड मैं ग्रोथ निकालना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास कैलकुलेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हमारा इनबिल्ट फॉर्मूला होता है सम जिसको हम लगा लेते हैं जी, दूसरा होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे कि हमने प्लस का सैंपल दे दिया जी सर a1 b1 जो भी हो। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से है? ये आपके प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है एंड पावर। ओके, ये सिंबल आपको शिफ्ट के साथ 6 को प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, ये आपके मैथमेटिकल सिंबल है। अब प्रॉब्लम है कि जो सम है आपका, ये आपका इनबिल्ट फंक्शंस है और जो इनबिल्ट फंक्शंस है वो लिमिटेड। लेकिन ऐसा हुआ कि आपको कुछ इस तरह की कैलकुलेशन आ गई जिसके लिए एक्सेल में कुछ दिया हुआ ही नहीं, या है तो लेंदी है उसकी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट नहीं है कैसे क्या है, तो आप अपने मैथमेटिकल स्किल जो कि 10th 12th 11th में आप लोग नोट पैड में सॉल्व करते थे उस मेथड को आप लेना चाहते हैं, जैसे कि ये देखिए ग्रोथ। तो अगर आप मैथमेटिक्स में जाएं तो ग्रोथ का यूज होता है कि लेटेस्ट माइनस क्वार्टर टू लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ये होता है ना सर? जी सर। मतलब कि क्वार्टर वन में 20 है, क्वार्टर टू में 30 है, तो क्वार्टर टू हमारा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, होता ना इंक्रीजमेंट दिखाता है कि पिछले के मुकाबले बढ़ गया है वगैरह वगैरह, ठीक है जी। उस केस में क्या करेंगे, अब इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मुझे एक्सेल पे परफॉर्म करना है। तो क्वार्टर टू आपका हो गया C4 एंड क्वार्टर वन हो गया आपका B4, तो C4 माइनस B4 डिवाइड बाय B4, तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि C4 माइनस B4 डिवाइड बाय C4 लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो लेटेस्ट क्या है? क्वार्टर टू है। ओल्डेस्ट क्या है? क्वार्टर वन। जी तो क्वार्टर टू क्या है? C4 है। क्वार्टर वन आपका V4 है, तो C4 माइनस V4 डिवाइड बाय V4। समझ आ गया जी? अब क्या रिजल्ट सही देगा सर? ये एंटर मारूंगा तो रिजल्ट सही आएगा या कुछ गड़बड़ है इसमें? सर पहले C4 माइनस B4 होगा क्योंकि ये डिवाइड पहले होगा मे बी। हाँ तो वो तो है, लेकिन क्या है कि हमने इसमें बोर्ड मास मेथड नहीं दिया, तो बोर्ड मास जी डिवाइड पहले होगा ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। हाँ तो उस केस में हम इसको ब्रैकेट देंगे, तो बोर्ड में बोलता है कि पहले ब्रैकेट होगा जी। तो अब आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आपका पॉइंट्स में आया। लेकिन जब मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, करते हैं ना जी, बट यहाँ पे एक्सेल में मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंट तो करते हैं क्योंकि परसेंटेज के लिए जी, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 20% लिखा है जी, इसका मतलब है 0.20। कैसे पता चलेगा? इसका फॉर्मेट,
हर सेल का अपना एक फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज है, दिख रहा है आपको सर? जी सर। इस परसेंटेज को मैं जनरल कर दूंगा तो 0.2 दिख जाए। तो अगर मैं इसकी फॉर्मेट जनरल से परसेंटेज कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, 50%। जी सर। 50% इंक्रीज हुआ जी, क्लियर है जी। तो अब मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस समझ में आया कि नहीं आया आपको जी? क्या पर्पस है बताइए हमको? पर्पस ये है कि सर हम इजीली कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस वगैरह, लाइक अगर कोई वो नहीं है हमारे पास पर्टिकुलर, आप बता रहे थे सर अब समझ नहीं पाया, ध्यान से सुनिए। इजीली कैलकुलेशन तो हम अपने फंक्शन के थ्रू ही कर पाएंगे, याद रखिएगा, इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू जी। तो हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कब यूज करेंगे, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शंस हमारे लिए लिमिटेड है। अब आपकी कोई कैलकुलेशंस है उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को थोड़ी पता था जब फॉर्मूला बना देगा, जैसे कि ग्रोथ का फॉर्मूला नहीं है जी। तो आपके पास अपनी कोई कैलकुलेशन है जिसके लिए आपके एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है, नहीं है, कैलकुलेशंस को हम अपने आप कर सकते इस मेथड से करेंगे, जो मेथड हमारे पास जी। इजी नहीं है, इजी तो आपका ये था ना, इजी तो ये होता ना सर, जो हमारा मान लीजिए ग्रोथ नाम का फॉर्मूला होता, हम ग्रोथ नाम का फॉर्मूला लगाते और हम इसको सिलेक्ट करते जी और रिजल्ट आ जाता जी। ठीक है, एक ग्रोथ कुछ और है, इजी होता तो इसका हम एक कह सकते हैं कि हमारे पास जो जो जिस कैलकुलेशन के लिए इनबिल्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है तो वो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा जी, उस केसेस में हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंसेप्ट को यूज करेंगे जी। अब चलिए एक एग्जांपल और देते हैं आपको। अब मान लीजिए कि हमारे पास प्रिंसिपल है, हमने कोई अमाउंट किसी से ब्याज पे लिया या दिया जी। रेट हमारे पास मान लीजिए हमने उससे डिस्कस किया था 9% ईयर जी, और टाइम हमारा था 3 साल का, तो 3 साल बाद अमाउंट कितना होगा? तो इसमें बात है कि इसमें हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन उन फॉर्मूले की कैलकुलेशन पे हमें ट्रस्ट नहीं, या फिर उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है मेरे प्रोसीजर से जी। तो हम अपनी मैथमेटिकल प्रोसीजर करते हैं, तो मेरा मैथमेटिकल प्रोसीजर करता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1+R/n ये हमारा प्रोसीजर था। इसमें हमारा पी हो गया, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा टी हो गया, और एन जो है वो एन हमारा इक्वल टू 12 होगा। 12 कब होगा? जब हमारा कैलकुलेशन ईयरली होगा, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक पीरियड के बाद आपकी इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाती है। तो मंथली किया तो एक महीने बाद अगर मान लीजिए इंटरेस्ट 500 हुआ तो अगले महीने से इंटरेस्ट चलेगा 50,500। ओके, तो ये आपका एन है, तो ईयरली है तो 12, क्वार्टरली है तो 4, हाफ ईयरली है तो 2 और ईयरली है तो 1। ओके, ठीक है। तो अब हम इस कैलकुलेशन करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, एक कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे एक और मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा मेथड है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। अब एक इस तरह से करेंगे तो कहीं पे कॉमा कहीं पे ब्रैकेट छूटने का डर है कि छूट जाएगा और रिजल्ट हमारा गलत है। तो हम कैलकुलेशन को पार्ट बाय पार्ट करेंगे जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे। ओके,
तो हम सबसे पहले करते हैं यहाँ पे आर डिवाइड बाय एन। तो हमने बोला 9 को 12 करके मंथली निकाल लिया, फिर हमने बोला 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन, जी जी 11 का क्या है, आर डिवाइड बाय एन है, तो हमने 1 प्लस 11 कर दिया तो क्या हो गया 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन, ठीक है। अब t मल्टीप्लाई बाय n, टाइम को हम मल्टीप्लाई बाय 12 से करते हैं जी। फिर इन दोनों का पावर लेते हैं, पावर का सिंबल ये है ओके, और फिर इसको p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट आ गया जी। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि हमने इसको तोड़ के कैलकुलेट कर लिया जी बिल्कुल, लेकिन मुझे इसको यहाँ पे रिजल्ट एक सेल में चाहिए जहां हम इसको यूज करना चाह रहे हैं, वहां पे इतना अलग इतना बड़ा लंबा कैलकुलेशन अलग अलग सेल्स में नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ एक सेल में कैलकुलेशन करेंगे ओके। तो इसके लिए क्या करें, तो हम इसके लिए मर्जिंग मेथड अप्लाएंगे। जैसे कि ये देखिए ये सेल लिंक किससे है, D11 से जी, और D11 पे देखा कि D11 का अपना कोई फॉर्मूला नहीं, अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। अब D11 में जो फॉर्मूला लगा है वो D11 में लगे या फिर E11 में लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ जहां D11 था वहां पे इसको हम ब्रैकेट में पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट में को पेस्ट करेंगे ताकि प्रोसीजर अपने हिसाब से चले जी, समझ गए जी बिल्कुल। तो हमने ऐसा कर दिया, तो अब मैं यहाँ इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको रखने की कोई जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी फॉर्मूले को मैंने इसी के अंदर मर्ज कर दिया जी। तो हमने देखा कि ए जो है इन दोनों से मर्ज है, E11 और F11 जी। तो हमने यहाँ पे किया E11 का फॉर्मूला कॉपी किया जी। और यहाँ जहाँ E11 था वहाँ पे ब्रैकेट, ध्यान रखिए इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, कैसे मतलब कि मुझे अभी इसको कॉपी करना है तो इस पर डबल क्लिक किया या फिर ऊपर चले गए यहाँ से कॉपी करते हैं, सेलेक्ट करेंगे तो कॉपी करेंगे जी, तो यहाँ पे इक्वल लगाया तो अब इक्वल सेलेक्ट करके मत कर लीजिएगा ओके, आप इक्वल के बाद ही कीजिएगा क्योंकि एक फॉर्मूला इक्वल होता है ना, दो इक्वल होता है जी। तो हम इसको कॉपी किया और यहाँ जहाँ D11 है उसको डिलीट करके ब्रैकेट में हम अपने E11 के फॉर्मूले को डाल ओके, और ऐसे हमारे पास F11 है, हमने इसको कॉपी किया और इसमें जो हमारा F11 है इसमें F11 के फॉर्मूले को पेस्ट करता है जी, ठीक है जी सर, एंटर किया रिजल्ट आपके सामने जी। अब यहां पे देखता हूं कि ये लिंक इससे, तो अभी इस दोनों को मैं डिलीट कर सकता हूं जी, अब मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहां जहां हमारा E12 था उसको डिलीट कर दूंगा ओके, और E12 की जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा जी। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, अब यहाँ पे मेरा फाइनल आ गया, तो मैं एक बार में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो इसको एक बार में लिख सकते थे ओके, लेकिन हमें डर था कि कहीं दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये तो छोटी फॉर्मूला है, क्योंकि डेट में जो बड़ी बड़ी लेंथी फॉर्मूले होंगे 3-4-5 लाइनों का उसमें तो गड़बड़ होने के चांसेस है, तो इसलिए आप हर फॉर्मूले को हर कैलकुलेशन को स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद पहले रिजल्ट वेरीफाई करेंगे फिर 1 by 1 ऐसे कॉपी पेस्ट ओके ठीक है। अब मुझे इसका रिजल्ट यहाँ चाहिए या फिर मान लीजिए यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे ले जाने के लिए इसको कंट्रोल एक्स कट करें, यहाँ कट है ना सर जी, कंट्रोल वी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दे पेस्ट जी, तो यहाँ से मूव होके यहाँ चला जाएगा। हम लोग सर आप सोच रहे होंगे कॉपी क्यों नहीं किया, कॉपी कर अगर मान लीजिए इसको आप कॉपी करके पेस्ट करते तो इसके बहुत सारे देखिए रेफरेंस आ गया, क्यों आया, क्योंकि आपका ये बी जब आया तो ए ए बना, ए से पहले कुछ नहीं था, ऐसे रेफरेंस आ गया जी।
इंक्रीज होगा ना सर, लेकिन अगर कंट्रोल एक्स करेंगे, मूव करेंगे, तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगी। जी आपका फॉर्मूला जैसे यहाँ पे वर्क कर रहा था वैसे आपको यहाँ भी वर्क करेगा। जी क्लियर है? जी सर। तो इस एग्जांपल से आपने समझा, वो चीज समझी, पहली चीज समझी कि आप अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट को इजीली यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हो, राइट? जी सर। दूसरा आपने सीखा कि अगर आपके पास आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है, तो उस कैलकुलेशन को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, वेरीफाई करेंगे और मर्ज करेंगे। जी क्लियर है? जी सर। इसी तरह का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ सिंपल फॉर्मूले भी हैं, चलिए कुछ सिंपल फॉर्मूले हम आपको बता देते हैं, ठीक है सर? जी सर। कुछ सिंपल फॉर्मूले है, जैसे कि हमने कुछ नंबर्स दिए, मुझे इस नंबर्स को सम करना, तो हम प्लस प्लस करेंगे तो दिक्कत होगा, सामने हमें पूरा एक रेंज देने का ऑप्शन होता है, रेंज दे देंगे सम होगा। जी एवरेज निकालना है तो हम यहाँ एवरेज के लिए सिंपल एवरेज का फॉर्मूला देंगे और यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा। जी सर, एवरेज ए ए ए ए क्यों लिया हमने? एवरेज ए दोनों एक ही जैसा काम करता है, कब तक? जब तक आपके डेटा में ट्रू एंड फॉल्स ना हो। ओके, ट्रू एंड फॉल्स होने पे क्या होता है, ट्रू कर दिया तो एवरेज जो है ट्रू को कंसीडर नहीं करता है और एवरेज ए ट्रू को कंसीडर करता है। ओके, देखिए रिजल्ट चेंज हो गया, एवरेज ए लगाया तो 40 आया और सिर्फ एवरेज था तो 47.18। ठीक है, तो सम सम करेगा, एवरेज एवरेज निकालेगा और फिर आपके पास आता है काउंट। काउंट के भी दो दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है काउंट नंबर, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, अगर सेल में कोई टेक्स्ट हुआ तो उसको इग्नोर करेगा। जी, तो नंबर काउंट करेगा। दूसरा होता है काउंट ऑल, काउंट ए, काउंट ए क्या होता है कि वो नंबर और टेक्स्ट दोनों को सम करेगा, ब्लैंक को छोड़ के, ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, बीच में ब्लैंक है उसकी काउंटिंग नहीं रखेगी, अगर ब्लैंक के जगह पे कोई टेक्स्ट हुआ तो भी उसको काउंट रखेगा। ओके, तो आपका काउंट एंड काउंट ए हो गया। तो आपने सम सम किया, एवरेज से एवरेज निकाला, काउंट से आपने काउंट निकाला, काउंट ए और काउंट में जो डिफरेंस था वो समझा दिया मैंने आपको। जी, यहाँ पे फॉर्मूला आता है मैक्स का, जो कि इसकी मैक्सिमम नंबर निकालता है, सबसे हाईएस्ट। ओके, मैक्स ए भी होता है, तो मैक्स और मैक्स ए में वही डिफरेंस है जो एवरेज और एवरेज ए में है, मैक्स ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है और मैक्स ए ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर करता है। ठीक है, टू एम सर, किनको किनको कवर करता है? देखिए यहाँ पे मैं समझा ही देता हूँ आपको, हमारे पास कुछ नंबर्स डेसिमल्स में, मान लीजिए जैसे एक परसेंटेज, ठीक है, तो अब मुझे इसमें से हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए, तो मैक्स आप आपने लगाया तो आपका हाईएस्ट परसेंटेज 97% जी, 97। हाँ, और मैं यहाँ पे मैक्स ए लगाता हूँ तो यहाँ भी रिजल्ट हमारा 97% सिस्टम में 1 = 100%। ओके, जी, और ऐसे हमारे पास मिन है, मतलब कि मिनिमम, तो आपका डेटा में जो भी मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे अगर मिनिमम लगाऊं मैं, मिनिमम वैल्यू शो करता है। जी सर, तो ऐसे यहाँ भी मिनिमम मिन ए लगा सकते हैं आप, तो मिन ए भी आपका लोएस्ट वैल्यू निकालता है, लेकिन अगर आपके डेटा में फॉल्स हुआ तो
वो जीरो देगा, क्यों? cos इक्वल टू जीरो होता है, ओके समझ गए? तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपका एक्सल फॉल्स को जीरो एंड ट्रू को वन समझता है, ओके सर, क्लियर है जी। तो मैक्सिमम मिनिमम आ गए, तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले थे जो कि मैंने बताया आपको, सम करना, एवरेज निकालना, काउंट करना, मैक्सिमम करना, मिनिमम निकालना, ये छोटे मोटे फॉर्मूले थे जो कि हमने आपको बता दें, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि हम आपको आगे क्लास में बताएंगे, लेकिन तब तक जो है आपकी जो अगली क्लास मंडे की होगी, क्योंकि क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है जी। तो मंडे से हम आपकी जो है बेसिक एक्सरसाइज करेंगे कि फाइल को सेव करना है तो किस एक्सटेंशन में सेव करना है, ओके, फाइल के टेम्पलेट्स वगैरह क्या है, होम मेनू बार में कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, पेस्ट स्पेशल कैसे क्या करते हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स है वो बताएंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह बताएंगे कि फॉर्मेट्स वगैरह में परसेंटेज कहाँ कहाँ यूज होता है, डेसिमल वगैरह कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये सारे परसेंटेज वगैरह दिखाएंगे। देन हम पिवट टेबल स्टार्ट करेंगे, पिवट टेबल के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे आपके चार्ट्स, और चार्ट्स के बाद फिर आएगा आपका पेज सेटिंग, पेज सेटिंग के बाद आएगा फॉर्मूले, और फॉर्मूले के बाद आएगा आपका डेटा एनालिसिस, ओके, ठीक है। और यहाँ पे आप उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ एडवांस फॉर्मूले और एडवांस जीओ पे डिस्कस करेंगे और फिर कोर्स अप, ओके सर। जो फॉर्मूलाज है ना, लाइक जो जैसे हमने आज किए हैं अकाउंट वगैरह, ऐसे ही फॉर्मूले मुझे वहां पे करवाए जाते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये कब आएगा कोर्स में? फॉर्मूला का जी इसमें आने में तकरीबन 12 से 15 क्लास हो जाएंगे, 12 से 15 क्लासेस, ओके। आपको आपके सामने आपका पिवट टेबल है जो कि आपके लिए 5 घंटे का टॉपिक है, ओके। तो सर हम इसको बाद में नहीं कर सकते पिवट टेबल? जी पिवट टेबल आपके कोर्स में नहीं है क्या? सर अभी वो जो है नेक्स्ट टाइम है ना, लाइक मेरे मिड टर्म्स के बाद है। एक बार बता दूं सर, आपकी कोर्स पे जो है सो है, लेकिन आपके ऑफिशियल लाइफ में पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी सर, जैसे मैथमेटिक्स आप यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना जी, उस तरह से एक्सेल में आपका पिवट सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान नहीं देंगे तो चलो भले ही आप अपना एग्जाम पास आउट कर लें, लेकिन ऑफिशियल लाइफ में आपको बहुत रोल आएगा, ओके सर। वो तो चलो हाँ जी मैं करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे सिलेबस का पार्ट है ना। आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी आपका सिलेबस होगा, हमने मंडे का टाइम, आपका कब क्लास जाना होता है, क्लास कब होती है आपकी? सर मेरी क्लास होती है ट्यूसडे, तो एक काम करते हैं हम वेनेसडे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रख लेते हैं कि आपके जो इसमें सिखाया गया है जी सर, सिखाया है उसी पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके। तो सर मैंने आपको अपना वो भी सेंड किया था, मेल किया था, ठीक है। आपकी जो जो देखिए जो जो आप पढ़ेंगे ना फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूले आप पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूला आप समझ जाते हैं तो ठीक है, जो फॉर्मूला आप नहीं समझ पाते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, और जो आपकी क्लास होगी उसके अगले दिन हम अपना सेशन रखेंगे, उसमें हम अपना टॉपिक नहीं कराऊंगा, उसमें आपकी जो कोर्स में पढ़ाया गया है हम उसी को आपको एक्सप्लेन करेंगे जो आप नहीं समझ पाए। ओके लाइक सर अभी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो सर मुझे तो उन क्लासेस देखी है, जो क्लासेस आपकी देखी जो हो गई है उसको हम अपने सिलेबस में हम यूज करते रहेंगे, चिंता मत कीजिए, ओके। आपने ये सब फॉर्मूले आपके करा रहे हैं तो मैंने कवर किया, आपकी क्या बोलते हैं पिवट टेबल वगैरह आगे होने वाली है, लेकिन क्या है कि मेरा भी अपना सिलेबस है ना, मुझे पता है कि कौन सी चीज के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको चीज समझ में आए, ओके, क्योंकि मैंने 45,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है कि अगर मैं बीच बीच से कहीं कहीं से पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए सीक्वेंस जरूरी है, ओके, ठीक है ना। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना तो आप मुझे इस चीज के लिए थैंक्स कहेंगे कि सर आपने मुझे हर एक चीज को क्लियरली सिखाया है,
ठीक है ना, इसलिए आप अपना दिमाग ये मत करें। हाँ, आपकी जो वहां पे पढ़ाया जाता है उसकी क्लरिफिकेशंस के लिए हम आपको हफ्ते में एक क्लास दे रहे हैं। ओके सर। और जो वहां पे सिखाया जा रहा है वो आपका समझिए कि 10% सिखाता है, हम उसको 100% आपको बता रहे हैं। आपको एक कैलकुलेशन पेपर नहीं सिखाया गया होगा जी? सिखाया गया है आपको सर? नहीं सर, ये नहीं, कुछ बेसिक तो हमें सिखाया ही नहीं। हाँ, तो एक चीज जरूरी है, क्यों जरूरी है कि आप भाई इनबिल्ट फॉर्मूला तो अप्लाई कर लेंगे, जब इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं रहेगा तो क्या करेंगे जी? वो तो जरूरी है ना जी सर, वही बात है ना, मुझे वहां पे कोई समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप, मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी क्लासेस होती है उसकी हम आपको एक्सप्लेनेशन क्लास रख देते हैं, और बाकी मैं अपने सिलेबस को फॉलो कर।